हजर गुनायक सुंदर अगम सुगम बरदायक देहु एक बर मागम स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी जान मुनि तुम मोर सुभाओ जन सनक प्रभु के करूं तुराओ कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी जो मुनि बर न सकहुं तुम मागी जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे अस विश्वास तजहूं जनि भोरे तब नारद बोले हर्षाई अस पर मागूं करूं दिखाई यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका राम सकल नामन दे अधिका ओ नाथ अख खगन पधिका किसी को नहीं दी है। जब किसी से कुछ लेना होता है ना तो उसकी तारीफ तो की जाती है। तो आप परम उदार हैं और रघुवंशी हैं। एक बार देने को कह देंगे तो रघुनायक है, मना नहीं करेंगे। तो सुंदर अगम सुगम बरदायक, आप तो महाराज अभक्तों के लिए अगम है। वो जो बर है वो अभक्तों के लिए, दूसरों के लिए तो अगम है, तुम्हारे लिए सुगम है। तो आप अगम और सुगम सब बर देने वाले हैं और बड़े सुंदर हैं। तो एक बर मैं स्वामी आपसे मांगता हूँ। यद्यपि आप दिल की तो जानते ही हैं आपसे क्या छिपा है, लेकिन फिर भी मैं मांगता हूँ। नारद मुनि के कारण रामचंद्र को इतना कष्ट उठाना पड़ा है ना, उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ तुम्हें स्त्री के विरह में रोना पड़ेगा। तो अब रामचंद्र स्त्री के विरह में रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब हमारी वजह से रामचंद्र को मिलना भी कुछ ऐसा चाहिए जो दूसरे को न मिला हो। ये महात्मा की चतुराई है, बुद्धिमानी है। वो
बोले महाराज एक चीज में मांगना, तब नारद जी कभी कुछ मांगने वाले हैं बोला है? उनको कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ चाहिए है? अर्थ धर्म काम में उनकी रुचि नहीं है और मोक्ष उनका स्वरूप है, उनके लिए परब्रह्म परमात्मा के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं। तो मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? लेकिन जब नारद जी ने कहा कि महाराज एक चीज में मांगता हूँ और आप जानते हो तब भी मांगता हूँ, तो रामचंद्र ने कहा कि तुम हिचकिचाते क्यों हो? जहाँ नहु मुनि तुम मोर स्वभाव। हे मुनि तुमको मेरे स्वभाव का पता है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताही भजन तजी भाव न आना। जो राम के स्वभाव को जानता है उसको भजन छोड़ करके दूसरी कोई भी बात प्यारी लगती नहीं है। अहम भक्त पराधीना, भगवान तो भक्त के पराधीन है। तो बोले कि तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं अपने जन से माने भक्त से कब हूँ क्या, कभी क्या कोई दुराव करता हूँ, क्या कोई बात छिपाता हूँ? भला ऐसी कौन सी मुझे वस्तु प्यारी लगती है जो मुनिवर तुम मांग नहीं सकते? प्यारी से प्यारी वस्तु मैं तुम्हारे मांगने पर तुमको दे सकता हूँ। तो जनक कहूँ कछुआ दे ये नहीं मोरे, जो मेरा सच्चा भक्त है प्रेमी है उसके लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। तो ये विश्वास तुम भूल के भी मत छोड़ना कि जो मेरा प्यारा है उसको मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपने आप को इसलिए बैठा हूँ तो मुझ में और क्या रहा, बाकी मेरा और क्या रहा। अब तो नारद जी हर्षित होकर के बोले कि महाराज मैं ऐसा वर मांगता हूँ धिठाई करता हूँ। असल में ये धिठाई इसलिए कहते हैं, बोले भगवान तो बारंबार यही अपने भक्तों से कहते हैं कि सकुच बिहाय मांग मोही मोरे नहीं अधेय कछु तोही। भगवान ने स्वयं मनुष्य भी कहा कि मोरे नहीं अधेय कछु तोही, तुम मुझे ही मांग लो तो मैं देने को तैयार हूँ। और स्वयं मुनि मनु ने भगवान को ही मांगा, भगवान को ही मांगा और भगवान ने अपने को दे दिया। तो ये मांगते हैं रूप तो स्वयं मनु ने मांगा, अब ये नाम मांगते हैं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक एक से एका, कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और श्रुति कहती है कि एक से एक बड़ा है, पर एक नियम है उसमें मर्यादा है शास्त्रीय, वो क्या है कि नाम में बड़ा छोटा नहीं समझना। भगवान के नाम में बड़ा छोटा समझना कि कृष्ण नाम बड़ा है राम नाम छोटा है, राम नाम बड़ा है कृष्ण नाम छोटा है, ऐसा समझना नामापराध है। तो भगवान के सब नाम बराबर माने जाते हैं। अब मैं ढिठाई ये करता हूँ, यह बर मांग हूँ, करूँ ढिठाई, ये बर मांग करके मैं ढिठाई कर रहा हूँ कि वेद में जहाँ आपके सब नामों को बराबर बताया हुआ है वहाँ राम सकल नाम से अधिका, नामापराध न हो, सब नामों से श्रेष्ठ ये राम नाम होवे। भगवान बोले कि भाई जो सत्य हो वही तो मांगना चाहिए ना, नाम तो सब नाम है। तो नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, एक एक नाम में सारी शक्ति है, एक नाम सबसे बड़ा कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा कि अच्छा अच्छा इसका समाधान मेरे पास है, अघ खगन बधिका, ये पाप रूपी जो पक्षी हैं उनके उनका शिकार करने में सबसे बड़ा ये राम नाम हो। अच्छा देखो शिकार कर करने में कभी मत्स्य अवतार शिकार करने में बड़ा है, कछुआ होता कच्चा अवतार शिकार करने में बड़ा है, कृष्ण अवतार जो है वो कभी शिकार करता है, तो वो सब अवतार शिकारी नहीं है ना, इसलिए उनके नाम भी शिकारी नहीं है। लेकिन आप तो महाराज धनुष बाण लेकर के मृगया हम छत्री मृगया बन कर ही शिकार खेलते हो तुम, तो ये तुम्हारा नाम भी शिकार खेले ऐसा हम चाहते हैं। नाम किसका शिकार खेले? बोले अगर खगन मधिका, पापों का शिकार करने में सबसे तेज यही हो। अब बामन भगवान तो ब्राह्मण का अवतार लेके आए, शिकार थोड़ी करेंगे, परशुराम जी शिकार थोड़ी करेंगे। तो जैसे भगवान के सब अवतार सब काम नहीं करते, वो राम राम रामचंद्र क्षत्रिय है शिकार खेलते हैं, बोले ये नाम भी पापों का शिकार करने में सबसे बड़ा हो है। जो अपने पापों को मिटाना चाहे वो राम 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 जपत राम
का रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम। भक्ति जो है वो पूर्णिमा की रात्रि है भक्ति, और उस पूर्णिमा की जो रात्रि है ना राका रजनी, राका माने पूर्णिमा, और रामचंद्र का नाम क्या है बोले चंद्रमा है, और दूसरे नाम जो है वो तारों के समान विमल है, और ये सब भक्त के हृदय आकाश में निवास करें। तब भगवान कृपा बिंदु रघुनाथ जो है वो मांगी हुई चीज भला कैसे नहीं दे। तो बोले हे वमस्तु, मुनि से भगवान ने कहा ऐसा ही हो। अब नारद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर डाल दिया।